हाँ भी बच्चों देखिए, जो रेस्पिरेशन है उसका अपने पार्ट 18 करते हैं। देखिए अपने बात कर रहे थे श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक और बाह्य कारकों के बारे में अपनों ने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं आंतरिक कारक, और पहला आंतरिक कारक है जीवद्रव्य। देखिए जो विभिद्युतिकी कोशिकाएं हैं, मेरिस्टमेटिक सेल्स, उनमें सक्रिय जीवद्रव्य मिलता है। सक्रिय जीवद्रव्य मतलब जिसमें उपापचय क्रियाएं तेजी से होती है, ठीक, सक्रिय जीवद्रव्य मिलता है, और इस कारण श्वसन दर भी क्या होती है, अधिक होती है। जो परिपक्व कोशिकाएं हैं उनमें श्वसन की दर तुलनात्मक रूप से कम होती है। भी दूसरा है श्वसनीय क्रियाधार, श्वसनीय क्रियाधार। देखिए कोशिका में उपस्थित विभिन्न प्रकार की शर्कराएं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज आदि श्वसन क्रिया में त्वरित प्रयोग की जाती है। ये जो शर्कराएं हैं, ये शर्कराएं श्वसन क्रिया में त्वरित प्रयोग की जाती है, मतलब शीघ्रता से श्वसन क्रिया के अंतर्गत इनका ऑक्सीकरण शुरू हो जाता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, जैसे प्लांट में स्टार्च, एनिमल में ग्लाइकोजन, ये सबसे पहले ग्लूकोज में परिवर्तित होती है। ग्लूकोज में परिवर्तित होती है, ठीक है। तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इनका परिवर्तन या इनका विखंडन सबसे पहले किसमें होगा, ग्लूकोज में होगा। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत समय लगेगा, ठीक है। तो अपने बात करें अगर श्वसनाधार के रूप में ये प्रयुक्त होते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, तो जो श्वसन की दर है वो तुलनात्मक रूप से क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्योंकि सबसे पहले ये जो स्टार्च, ग्लाइकोजन है, ये किस में कन्वर्ट होंगे, ग्लूकोज में होंगे। तो आपको भी पता है कि वो ऐड आती है ग्लूकोन डी की, अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए तो अपने क्या पीते हैं, ग्लूकोन डी पीते हैं, ठीक। तो ये बात है यहाँ पर। इसी प्रकार अगर वसा श्वसनाधार के रूप में प्रयुक्त हो रही है तो उसका भी कंप्लीट ऑक्सीकरण होने में समय लगेगा, ठीक। तो जो एनर्जी है वो भी थोड़ी देर बाद में मिलेगी। जब ये प्रयुक्त होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, तो इनका ऑक्सीकरण तो त्वरित होता है, शीघ्रता से होता है, और एनर्जी भी शीघ्र ही शरीर को मिलनी प्रारंभ हो जाती है। देखिए कोशिकाओं की आयु नंबर 3 है। कोशिकाओं की आयु जो यंग कोशिकाएं हैं, यंग कोशिकाएं हिंदी में कहते हैं तरुण, जो यंग कोशिकाएं हैं उनमें श्वसन दर क्या होती है, ज्यादा। और जो परिपक्व कोशिकाएं हैं उनमें श्वसन दर तुलनात्मक रूप से क्या होती है, कम होती है, ठीक। एक बात ये होगी। दूसरी चोट, घाव, चोट, घाव या रोग, जब कोई बाघ क्षतिग्रस्त हो जाता है, चोट लग जाए या कोई घाव हो जाए या कोई रोग हो जाए, तो
ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर मामलों में श्वसन दर बढ़ जाती है। ठीक, तो ये हो गया। अगला अपना टॉपिक है श्वसन तथा दहन में अंतर। श्वसन तथा दहन में अंतर, ये अगला टॉपिक अभी अपना। देखिए, अपने सारणी बना लेते हैं, यहां पर लिखते हैं श्वसन, यहां पर लिखते हैं दहन। श्वसन क्या है? एक जैविक क्रिया है। श्वसन क्या है? एक जैविक क्रिया है। और दहन क्या है? भौतिक क्रिया है। दहन क्या है? भौतिक क्रिया है। यह कहां पर संपन्न होती है? कोशिका में या कोशिकाओं में। और यह कोशिका से बाहर जो पर्यावरण है, पर्यावरण में संपन्न होती है। श्वसन पर विभिन्न एंजाइमों का नियंत्रण होता है। जो श्वसन की प्रक्रिया है ना, उसमें विभिन्न एंजाइम्स भाग लेते हैं। ये एक नंबर, ये दो नंबर और ये तीन नंबर। ठीक, तीन नंबर है श्वसन की जो प्रक्रिया, उसमें विभिन्न एंजाइम्स भाग लेते हैं। यह एंजाइम्स द्वारा नियंत्रित होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यानी दहन जो है ना, उसमें एंजाइम्स भाग नहीं लेते या एंजाइम्स द्वारा नियंत्रित नहीं होती। नंबर चार, इसमें जो इस प्रक्रिया में या इस प्रक्रम में जो ऊर्जा मुक्त होती है, वो किस रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में संचित होती है। और इस प्रक्रम में जो ऊर्जा मुक्त होती है, वो किस रूप में मुक्त होती है? ऊष्मा या प्रकाश के रूप में। ठीक, तो श्वसन में मुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, जबकि दहन में मुक्त ऊर्जा ऊष्मा या प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, अगला है ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र में अंतर। ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र में अंतर, ग्लाइकोलाइसिस यहां पर है, क्रेब्स चक्कर, ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्कर में अंतर। देखिए, जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कहां पर संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में। ठीक, पहला ग्लाइकोलाइसिस कहां पर संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में। और ये कहां पर संपन्न होता है? भी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में या पीठिका में। ठीक, दूसरा अंतर है, यह एक रेखीय पथ है। कैसा पथ है? रेखीय, लीनियर। और यह एक साइक्लिक पाथवे, चक्रीय पथ है। ठीक, आगे क्या है? इसमें क्या होता है? ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से पाइरूविक एसिड के कितने अणु बनते हैं? दो अणु बनते हैं।
ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज के एक अणु के अपूर्ण ऑक्सीकरण से, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, अपूर्ण ऑक्सीकरण से परिकमल के दोनों बनते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। कैसा ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण, और क्या बनते हैं, CO2 और जल। ठीक, आगे देखिए, ये वायवीय है और अवायवीय है। यह जो प्रक्रम है ना ग्लाइकोलाइसिस, ये दोनों प्रकार के श्वसन में संपन्न होता है, वायवीय और अवायवीय। यह ओनली वायवीय श्वसन में संपन्न होता है, जो वायवीय श्वसन होता है उसी में। ठीक, क्रेब्स चक्र अपने पढ़ते हैं। आगे देखिए, इसमें जो एटीपी के दो अणु हैं, एटीपी के दो अणुओं का उपयोग होता है। इसमें एटीपी के एक भी अणु का उपयोग नहीं होता, इसमें एटीपी के दो अणुओं का, दो टू अणुओं का उपयोग होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक, आगे देखिए, नंबर छः, इसमें CO2 मुक्त नहीं होती है, CO2 मुक्त नहीं होती है, और इसमें CO2 मुक्त होती है। ठीक, आगे देखिए, इसमें केवल एक बार NADH का निर्माण होता है, NADH का निर्माण केवल एक बार होता है, एक बार। और यहाँ पर NADH का निर्माण कितनी बार होता है, तीन बार, और साथ में FADH2 का निर्माण भी होता है, जो कितनी बार होता है, एक बार। NADH का निर्माण एक बार होता है, यहाँ पर NADH का निर्माण तीन बार होता है और FADH2 का निर्माण एक बार होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ग्लाइकोलाइसिस में केवल एक ही बार ऑक्सीकरण होता है, ग्लाइकोलाइसिस में, पूरे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम में एक ही बार ऑक्सीकरण होता है, और क्रेब्स चक्र में कितनी बार ऑक्सीकरण होता है, चार बार, जहां पर तीन बार तो NADH बनता है और एक बार FADH2 बनता है। ये हो गया अपना। आगे देखिए, ऑक्सीश्वसन और किण्वन में अंतर, ऑक्सीश्वसन और किण्वन में अंतर, ऑक्सीश्वसन और किण्वन में अंतर। देखिए, पहला, यह O2 की उपस्थिति में होता है और यह O2 की अब्सेंस या अनुपस्थिति में होता है। यह एक सामान्य जैविक क्रिया है, सामान्य जैविक क्रिया है, और यह कुछ जीवों में तो सामान्य होता है और कुछ जीवों में विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। ठीक है, यह एक सामान्य जैविक क्रिया ऑक्सीश्वसन और किण्वन, कुछ जीवों में तो सामान्य रूप से होता है और कुछ जीवों में विशिष्ट परिस्थितियों में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया में सामान्य रूप से होता है और ह्यूमन, मानव की जो पेशियां हैं, बैक्टीरिया, ईस्ट, जो कि एक यूनिसेलुलर फंजाई है, ईस्ट, उनमें तो सामान्य रूप से होता है, और मानव की जो मसल्स है उनमें विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। आगे देखिए, इसमें क्या होता है,
ग्लूकोज का जो अणु है ना उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और क्या बनता है H2O प्लस से CO2 बनता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो पायरविक एसिड है, पायरविक एसिड है उसे क्या बनेगा, एल्कोहल या लैक्टिक एसिड। किण्वन में क्या बनेगा, पायरविक अम्ल से एल्कोहल या लैक्टिक एसिड। ठीक, इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, भी काफी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। और यहाँ पर किण्वन में ऊर्जा मुक्त नहीं होती, यानी किण्वन जो प्रक्रिया ना फर्मेंटेशन उसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ये हो गया अगला देखे टॉपिक, ग्लाइकोलाइसिस तथा किण्वन में अंतर। ग्लाइकोलाइसिस तथा किण्वन में अंतर, ग्लाइकोलाइसिस और यहां पर अपन लिख देते हैं किण्वन यानी फर्मेंटेशन। इन दोनों में अंदर देख रहे हैं अपने, यहां पर क्या है वही बात, यहां पर ग्लूकोज से क्या बनेगा, अभी पायरविक एसिड, और यहां पर क्या होगा, पायरविक एसिड से लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड या एल्कोहल बनता है। यह ऑक्सीसवसन और अनऑक्सीसवसन, ऑक्सीसवसन और अनऑक्सीसवसन दोनों प्रकार के जो सवसन है उनमें ग्लाइकोलाइसिस होता है। यह केवल अनऑक्सीसवसन से संबंधित है, केवल अनऑक्सीसवसन से संबंधित है। इस प्रक्रम में एटीपी के कितने अणु बनते हैं, अभी एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दो। इसमें एक भी नहीं बनता। ठीक, आगे देखिए, इसमें जो एनएडी पॉजिटिव है उसका अपचयन होता है। क्या होता है, एनएडी पॉजिटिव का क्या होता है, अपचयन होता है। और इसमें जो एनएडीएच है उसका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, एनएडीएच का ऑक्सीकरण। तो ये अपना हो गया, अभी ग्लाइकोलाइसिस और किण्वन में अंतर। एक बात और, आपने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा होगा, कि ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु बनते हैं, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से, कंप्लीट ऑक्सीडेशन पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु बनते हैं, 36 एटीपी, 38 एटीपी, 20 एटीपी, 32 एटीपी, या एक ऑप्शन और कर लीजिए, बोथ ए एंड बी।
तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, जो अपना अंतिम ऑप्शन है, वही सही है, 36 और 38। ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु बनते हैं? कुछ परिस्थितियों में 36 बनते हैं और कुछ परिस्थितियों में 38 बनते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? बोथ ए एंड बी। लेकिन बात है कि किन परिस्थितियों में 36 बनते हैं और किन परिस्थितियों में 38 बनते हैं, इसको समझने के लिए अपने को एक टॉपिक समझना होगा। मैं नाम बता देता हूं, एक तो है मेलेट एस्पार्टेट शटल, मेलेट एस्पार्टेट शटल, मेलेट एस्पार्टेट शटल, ठीक। और दूसरा है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, एक टॉपिक आता है शटल सिस्टम या शटल तंत्र, शटल, शटल सिस्टम, शटल तंत्र। और ये जो शटल तंत्र है ना, यही एक्सप्लेन करता है, शटल तंत्र ये एक्सप्लेन करेगा कि 36 एटीपी बनने हैं या 38 एटीपी बनने हैं। अब देखिए, अगर मेलेट एस्पार्टेट शटल अगर ये सिस्टम चलता है ना, तो 38 एटीपी बनते हैं। और ये नीचे वाला अगर सिस्टम चलेगा ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, तो कितने एटीपी बनेंगे? 36 एटीपी। तो ये शटल तंत्र है क्या, ये दोनों क्या है, किस प्रकार इस शटल के द्वारा 38 बनते हैं, किस प्रकार ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के द्वारा 36 एटीपी बनते हैं, वो अपने करेंगे कल। और ये अपना जो टॉपिक है शटल तंत्र, ये अंतिम टॉपिक है अभी इस रेस्पिरेशन का। ये शटल तंत्र आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक दो बच्चों ने पूछा है मुझसे, और ये नीट के एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है भी। तो अपने शटल तंत्र कल करेंगे, जिसमें अपने देखेंगे कि 36 एटीपी कब बनती है और 38 एटीपी कब बनती है। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया कि एक टॉपिक आता है शटल तंत्र, दो तरह के शटल तंत्र है, इस जब ये शटल तंत्र यूज़ हो रहा है ना, तो 38 एटीपी, और ये हो रहा है तो 36 एटीपी। शटल तंत्र है क्या, किस प्रकार एटीपी बनती है, 38 या 36, वो अपने कल देखेंगे।